मस्तिष्क और रीढ़ की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम डॉक्टर सचिन तोमर, मस्तिष्क व रीढ़ के विशेषज्ञ व सर्जन। फिनिक्स स्पाइन एवं न्यूरो सर्जरी सेंटर मेट्रो प्लाजा के निकट मेरठ मॉल में स्थित, दिल्ली रोड मेरठ। मेरठ नगर निगम सदन में पार्षदों के प्रस्ताव तो पास होते हैं, लेकिन वे कागजी फाइल तक ही सीमित रहते हैं और उन पर अमल नहीं होता। इसके लिए सीधे सीधे महापौर जिम्मेदार हैं। यह कहना है आज नगर निगम में धरने पर बैठे पार्षदों का। इन पार्षदों ने आज भुट्टे भूनकर अपने इस अनोखे तरीके से नगर निगम प्रशासन व महापौर को एक संदेश देने का काम किया। आज इस अनोखे धरने पर बैठे अब्दुल गफ्फार ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। मैं अब्दुल गफ्फार, पार्षद सदस्य कार्यकारिणी नगर निगम मेरठ। आज एक प्रदर्शन, भुट्टा भून प्रदर्शन किया गया। उसका उद्देश्य मात्र यह है कि नगर निगम के वर्तमान बोर्ड को 4 साल हो गए हैं, यहाँ पर पार्षद किसी भी दल का हो, वो बड़ी मेहनत और शिद्दत से अपने प्रस्ताव सदन में रखता है। उन सदन में प्रस्ताव को रखने के बावजूद भी उन पर अधिकारी अमल ही नहीं कर पाते। पार्षद भटकता रहता है, ना यहाँ कोई अमल करने वाला है, ना कोई यहाँ अमल कराने वाला है। इतनी पीड़ा है कि 4 साल पार्षदों के नष्ट कर दिए और मात्र और केवल मात्र इधर आदर की बातें किए जाती हैं, प्रस्ताव पर काम नहीं होता। हमारा उद्देश्य ये था कि जितने हम प्रस्ताव पास कराते हैं उन पर अमल हो, मात्र अमल हो, इसलिए भुट्टा भून प्रदर्शन आज यहाँ नगर निगम मेरठ में किया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।